हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विजन आईएएस पीटी 365 एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स दोस्तों आपके 2022 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों पिछले लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे उनको देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने टॉपिक थे हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन और इनिशिएटिव्स को भी हम कवर कर चुके हैं, और क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशंस के भी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के जरिए हम पॉल्यूशन टॉपिक्स में एयर पॉल्यूशन को पढ़ेंगे और वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाटर पॉल्यूशन में बात करेंगे, किसकी दोस्तों? एयर पॉल्यूशन की दोस्तों। ठीक है, पहले तो एयर पॉल्यूशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स फॉर कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो दोस्तों जो भी कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है, आपको पता है वहां से फ्लाई ऐश निकलती है, तो उसी को लेकर नए रूल्स लाए गए हैं कि भाई इन फ्लाई ऐश को कैसे यूटिलाइज करा जाए। तो सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक्सटेंड करा है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन डेडलाइंस को, ठीक है, फॉर थर्मल पावर प्लांट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। तो दोस्तों आपको पता है थर्मल पावर प्लांट से बहुत सारा जो है फ्लाई ऐश निकलता है, तो उसी के यूटिलाइजेशन को लेकर हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने एक तरीके से डेडलाइंस इशू करी हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं कंपोजिशन जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश, है ना। कंपोजिशन क्या होता है फ्लाई ऐश का, जनरेशन कैसे होती है और इसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। फ्लाई ऐश आपको पता है एक बायो प्रोडक्ट है कोल बेस्ड पावर जनरेशन का। ये जो है फाइन पाउडर होता है जिसके अंदर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ सिलिका होता है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम और कैल्शियम भी इसके अंदर पाया जाता है फ्लाई ऐश के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक बोरोन और क्रोमियम लेड एक्सेट्रा भी पाए जाते हैं जो कि लीड करते हैं एयर वाटर पोल्यूशन अगर इनको अच्छे से डिस्पोज ना करा जाए। दोस्तों अगर इनको डिस्पोज करा जाए लैंड पर तो दोस्तों ये बहुत सारे एयर और वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। दोस्तों विद लो ग्रेड ऑफ इंडियन कोल इट्स ऐश कंटेंट इज एज हाई एज 30-45% इन कंपैरिजन टू इंपोर्टेड कोल विद 10-15%। ठीक है, विद नियरली 55% ऑफ आवर टोटल पावर प्रोडक्शन थ्रू कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स द फ्लाई ऐश जनरेशन इन इंडिया इज वेरी हाई। आपको पता है ना भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है अभी भी कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फ्लाई ऐश का बहुत ज्यादा जनरेशन होता है, और इसी वजह से दोस्तों भारत में लैंड और एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है। दोस्तों लगभग 83% जो फ्लाई ऐश होती है ये यूटिलाइज कर ली जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ भी लगा हुआ है कितनी जो मेजर मोड्स ऑफ ऐश यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग 2019 एंड 20। तो हम लोगों ने कितना यूटिलाइज करा फ्लाई ऐश को और कहाँ कहाँ अनयूटिलाइज करा, आप देख सकते हैं अनयूटिलाइज फ्लाई ऐश जो थी 17% थी, और हम लोगों ने कहाँ कहाँ यूटिलाइज करी थी फ्लाई ऐश को, सीमेंट में यूटिलाइज करा था 26%, माइन फिलिंग में, ब्रिक टाइल्स में भी हम लोगों ने। तो यहाँ दोस्तों ये सारे के सारे एरियाज हैं जहाँ पे आप फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों ये की हाइलाइट्स ऑफ द न्यू नोटिफिकेशन। अभी मैंने बताया ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने नए नोटिफिकेशन निकाला है, तो इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस नए नोटिफिकेशन में। फर्स्ट फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन दोस्तों 1999 में लॉन्च करा गया था या इशू करा गया था। इसके जरिए हम एंश्योर करना चाहते हैं 100% फ्लाई यूटिलाइजेशन इन इंडिया बाय 2009। तो याद रखिए पहला नोटिफिकेशन कब जारी करा गया था, 1999 में। इसके बाद दोस्तों एक सिमिलर नोटिफिकेशन आया था 2016 में भी। ठीक है, और उसके बाद 2016 के बाद अभी करंट नोटिफिकेशन जो आया है इसका भी एम सिंपल सा है कि भाई हम लोगों को 100% यूटिलाइजेशन करना है इन 3-5 years। समझे कि नहीं समझे, जो भी करंट नोटिफिकेशन आया इसका भी एम यही है कि 100% यूटिलाइजेशन करना है फ्लाई ऐश का 3-5 सालों में। अब दोस्तों और इसके की हाइलाइट्स को समझते हैं। पहला है दोस्तों की हाइलाइट शॉर्टर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन साइकिल। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस अलाउ थर्मल पावर प्लांट्स टू फुली यूटिलाइज फ्लाई ऐश इन 4 ईयर साइकिल इन अ स्टेगर्ड मैनर।
द न्यू पॉलिसी विल फॉलो अ 3 ईयर साइकिल फॉर 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लायर्स। समझे कि नहीं समझे? पहले 4 साल का साइकिल दे रखा था, लेकिन अब बोला भाई 3 साल के अंतर्गत ही आपको 100% यूटिलाइजेशन करना है फ्लाई ऐश का, ठीक है, विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ अ ईयर इफ परसेंटेज ऑफ ऐश यूटिलाइजेशन इज बिटवीन 60-80% एंड 2 ईयर्स इफ इट इज बिलो 60%। तो याद रखिये ग्रेस पीरियड भी इन्होंने बोला कि हम लोग जो है 1 साल का ग्रेस पीरियड भी देखेंगे देंगे आप लोगों को, लेकिन अगर आपने 60-80% कंप्लीट कर ली होगी, और 2 साल का ग्रेस पीरियड देंगे अगर जो है अगर आपने बिलो 60% जो है उसको यूटिलाइज करा है तो 2 साल का ग्रेस पीरियड देंगे। इन द नियर फ्यूचर ऑल थर्मल पावर प्लांट्स विल हैव टू स्टिक टू एवरेज एश यूटिलाइजेशन ऑफ 100% इन 3 ईयर साइकिल। अगला प्रोविजन भी देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रोविजन है इसके अंतर्गत फ्लाई एश सॉरी दोस्तों लेगेसी फ्लाई एश यूटिलाइजेशन। लेगेसी फ्लाई यूटिलाइजेशन होता है क्या, इसका पहले मतलब समझ लीजिए दोस्तों। लेगेसी फ्लाई यूटिलाइजेशन का मतलब होता है रिमेन जो फ्लाई एश रिमेन होती है अनयूटिलाइज्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली गेट्स अक्युमुलेटेड, है ना, जो फ्लाई एश को यूटिलाइज नहीं करा है और धीरे धीरे वो इकट्ठा होती रहती है तो उसी को लेगेसी एश कहा जाता है, ठीक है। और अभी प्रोविजन करा गया कि जो भी लेगेसी एश होगी उसको दोस्तों प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा लेगेसी फ्लाई एश का, ठीक है, हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अनदर इयर्स। एक और प्रोविजन देख लेते हैं, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। तो दोस्तों जो भी पोल्यूटर करेगा उसको पे करना पड़ेगा, ऐसा प्रिंसिपल भी इसमें डाला गया है। बोला गया कि भाई 1000 से याद रखिए 1000 पर टन याद रखिए 1000 पर टन ऑफ अनयूटिलाइज्ड ऐश हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इफ द प्लांट डज नॉट अचीव एटलीस्ट 80% ऐश यूटिलाइजेशन एनुअली और इन 3 ईयर्स। एक और प्रोविजन है कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी, नॉन कंप्लाइंग पावर प्लांट्स विल प्रोवाइड ऐश फ्री कॉस्ट टू एजेंसीज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद 300 किलोमीटर रेडियस विद ऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू बी ओन बाय थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। रोल ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी डिफाइन करा गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल क्या है ये भी डिफाइन करा गया है इस बिल के अंतर्गत, ठीक है, या ये नोटिफिकेशन के अंतर्गत। दोस्तों एक कमिटी जिसके चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, ये जो है एग्जामिन करेगा और रिव्यू करेगा और रिकमेंड करेगा इको फ्रेंडली वेज टू ऑन फ्लाई एश यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों फ्लाई एश यूटिलाइजेशन को कैसे आपको हैंडल करना है, रिव्यू करना है, इसके लेकर एग्जामिनेशन मतलब इसको लेकर एग्जामिन करना, रिव्यू करना, रिकमेंड करना, ये इसका काम होगा इस कमिटी का, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल हैव अ रियल डाटा ऑन ऐश अवेलेबिलिटी। अब कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं फ्लाई ऐश से रिलेटेड न्यूज और भी क्या है, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। अभी मैंने समझाया ना थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है, तो दोस्तों अगर थर्मल पावर प्लांट्स में हम बायोमास का इस्तेमाल करने लगे तो ये जो फ्लाई ऐश है एक तरीके से ये कम जनरेट होगी। ये याद रखिए दोस्तों नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास, इसको बायोमास ये प्रपोज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जिसके जरिए हम एड्रेस करना चाहते हैं इश्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यू टू फार्म स्टबल बर्निंग एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ थर्मल पावर जनरेशन। अगर इसको एक बार लॉन्च कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग जो है इसके जरिए अपने फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, पहला है इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कोफायरिंग। कोफायरिंग का मतलब होता है एक साथ जलाना दो चीजों को, तो देख भी सकते हैं दोस्तों कोफायरिंग का मतलब होता है कंबशन ऑफ टू डिफरेंट फ्यूल्स इन सेम कंबशन सिस्टम फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू हायर लेवल्स फॉर कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन बाय थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। अगला है टेकिंग अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन बॉयलर डिजाइन, और तीसरा है दोस्तों फैसिलिटेटिंग ओवरकमिंग द कंस्ट्रेंट इन सप्लाई चेन ऑफ बायोमास पैलेट्स एंड एग्रो रेसिड्यू and its transport up to the power plants। आपको पता है ना बायोमास का इस्तेमाल मतलब बायोमास को आजकल जो है फार्मर्स आजकल क्या दोस्तों बहुत टाइम से बायोमास को ऐसे ही जला देते हैं, तो बायोमास का इस्तेमाल करना कि भाई थर्मल पावर प्लांट्स में ताकि फ्लाई ऐश वगैरह का जो जनरेशन एक तरीके से कम हो। एक और है दोस्तों क्या एड्रेसिंग रेगुलेटरी इश्यूज इन बायोमास को फायरिंग, ये भी दोस्तों इसका एक तरीके से एम है, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ को-फायरिंग बायोमास इन कोल बॉयलर्स, कौन कौन से 3 कॉन्सेप्ट है। पहला है डायरेक्ट कोफायरिंग, इसमें दोस्तों बायोमास और कोल को दोस्तों बर्न करा जाता है सेम फर्नेस में, ठीक है, एक ही भट्टी में आप बोल लीजिए जहाँ पे बायोमास और कोल को एक साथ जलाया जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट कोफायरिंग, इसमें दोस्तों क्या होता है सॉलिड बायोमास जो है इसको कन्वर्ट करा जाता है क्लीन फ्यूल गैस में यूजिंग बायोमास गैसिफायर।
The gas can be burnt in the same furnace as coal. ठीक है, अगला है parallel co-firing. दोस्तों ये समझ लीजिए, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. It is also possible to install a completely separate biomass boiler in addition to the conventional boiler. अगली न्यूज दोस्तों वो है हमारी, वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. याद रखिए ये हमारी अगली न्यूज है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा कमीशन होगा कि जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखेगा. बिल्कुल दोस्तों, पहले समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा. दोस्तों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021 वाज रिसेंटली पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो एक तरीके का ये बिल था. याद रखिए फिर से पढ़ देता हूँ कौन सा बिल था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल. इसको हाल ही में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है और ये जो है रिप्लेस करेगा ऑर्डिनेंस जो कि प्रमुलगेट करी गई थी अप्रैल 2021 में, उसको रिप्लेस कर देगा. अब इसके बारे में की हाइलाइट्स क्या है इस एक्ट को लेकर, उसके बारे में समझते हैं. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों, इसका फंक्शन पहले समझते हैं क्या होगा. फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा बेटर कोऑर्डिनेशन करना, रिसर्च करना, आइडेंटिफिकेशन करना एंड रेजोल्यूशन करना ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज. एडजॉइनिंग एरियाज में हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एडजॉइनिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर. तो आपको पता है ना दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उसी को लेकर दोस्तों सारी की सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना इसका काम होगा. ठीक है, द कमीशन विल बी द सोल अथॉरिटी विद ज्यूरिडिक्शन ओवर मैटर्स डिफाइंड इन द बिल. तो याद रखिए जो भी मैटर डिफाइंड होंगे बिल में उसको लेकर ये सोल अथॉरिटी होगी जिसके पास ज्यूरिडिक्शन होगी. ठीक है, जैसे कि सच एज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. इसके अलावा अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है किसी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जैसे कि अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पीसीबीज और स्टेट लेवल स्टेचुरी बॉडीज के बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो दोस्तों जो भी डायरेक्शंस हैं इस कमीशन की जिसका गठन करा जा रहा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन करा जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो प्रिवेल करेंगी, यानी वो मानी जाएंगी. अब समझते हैं इस कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा. दोस्तों कंपोजिशन में जो है एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के ऑफिसर के रैंक का होगा एंड द मेंबर सेक्रेटरी एंड चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होगा, एक फुल टाइम मेंबर होगा और 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स होंगे. इसके अलावा 3 मेंबर्स फ्रॉम एनजीओस अमंग अदर्स भी शामिल किए जाएंगे. तो ये सारा का सारा कंपोजिशन है. पावर ऑफ द कमीशन क्या होंगी, दोस्तों रेस्ट्रिक्ट कर सकेगा एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग एयर क्वालिटीज को. इसके अलावा इन्वेस्टिगेट करेगा और कंडक्ट करेगा रिसर्च रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन इम्पैक्टिंग एयर क्वालिटी. इसके अलावा ये प्रिपेयर करेगा कोड्स एंड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कंट्रोल एयर पोल्यूशन. इशू करेगा डायरेक्शन ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रेगुलेशन विच विल बी बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पर्सन और अथॉरिटी. तो ये सारी की सारी पावर है कमीशन की. पेनल्टीज भी दोस्तों ये कमीशन लगा सकता है. आप देख सकते हैं अगर कोई बंदा या ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रावेशन करता है ऑफ प्रोविजंस, यानी प्रोविजंस के खिलाफ जाता है जो भी बिल में मेंशन है और या ऑर्डर्स के खिलाफ या डायरेक्शन के खिलाफ जाता है कमीशन के, तो उसको दोस्तों 5 years और फाइन ऑफ अप टू 1 crore रुपीज या बोथ लगाया जा सकता है. जो बिल है एक्सक्लूड करता है फार्मर्स को. याद रखिए इस बिल में से फार्मर्स को एक्सक्लूड करा गया है फ्रॉम द स्कोप ऑफ दीज पेनल्टीज. तो इन पेनल्टीज को ज्यादातर फार्मर्स के ऊपर लगाया नहीं जा सकता. लेकिन दोस्तों कमीशन में कलेक्ट एंड एनवायरमेंटल कंपनसेशन फ्रॉम फार्मर्स कॉजिंग पोल्यूशन बाय स्टबल बर्निंग. तो ये काम दिया है भाई कमीशन को कि आप जो है फाइन वगैरह इकट्ठा कर सकते हो अगर वो लोग स्टबल बर्निंग करते हैं. अगर दोस्तों कमीशन आपके खिलाफ जजमेंट देता है तो आप अपील कहाँ कर सकते हो, दोस्तों आप एक ही जगह जा सकते हो, वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, है ना. पहले कमीशन अगर आपको सजा देगा और आपको लगता है ये सजा गलत सुनाई है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो. दोस्तों इस कमीशन में जो भी मेंबर चुने जाएंगे उसकी सिलेक्शन कमेटी कौन होगी उसके बारे में समझते हैं. दोस्तों जो सिलेक्शन कमेटी है उसको हेड कौन करेगा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज. तो दोस्तों एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर होंगे वो हेड करेंगे और वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे और वही सारे मेंबर्स को चुनेंगे. कुछ और भी स्टेप्स देख लेते हैं जो लिए गए हैं हाल ही में पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में. पहला है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. ठीक है, हाल ही में स्टेट्स इन नेशनल कैपिटल रीजन वर डायरेक्टेड टू बी रेडी टू इंप्लीमेंट एक्शन अंडर इमरजेंसी कैटेगरी ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. तो ये हाल ही में इसी वजह से न्यूज में रहा था. ठीक है, अब समझते हैं GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता क्या है. दोस्तों ये इसेंशियली अ स्टेप बाय स्टेप गाइड है. याद रखिए ये स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बना रखी है कि भाई अगर पॉल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में
तो आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे उसी को लेकर पहले से ही एक गाइड बना रखी है, ठीक है। फॉर व्हाट टू डू व्हेन एयर इन दिल्ली एनसीआर गेट्स हैवली पोल्यूटेड, तो यही मैं बता चुका हूँ दोस्तों, अगर कोई भी जब भी एयर जो है पोल्यूट होती है दिल्ली में तो उसको लेकर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए सरकार द्वारा, उसको लेकर एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ये जो है अप्रूव करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में इन परसुएंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन एम सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड नोटिफाइड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन 2017। तो याद रखिए 2017 में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ये क्या क्या इंक्लूड करता है दोस्तों, ये एक्सट्रीम मेजर्स जैसे कि शटिंग डाउन स्कूल्स, इंप्लीमेंटिंग ऑड इवन रोड स्पेस राशनिंग स्कीम इन केस ऑफ सीवर डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे कि कौन कौन सी दोस्तों, मॉडरेट अगर एयर क्वालिटी होगी और वेरी पुअर होगी, सीवर होगी, तो अलग अलग दोस्तों जब भी एयर क्वालिटी मतलब एयर क्वालिटी कैसी है उसी के आधार पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करा जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये अच्छा सा पिक्चर लगा हुआ है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दोस्तों। अगर स्टेज वन होती है, स्टेज वन में क्या होता है मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी ऑफ एयर होती है, इसमें पीएम 2.5 अबव होता है, तो दोस्तों क्या क्या लिया जाएगा तरीका सरकार के द्वारा, क्या क्या तरीका अपनाया जाएगा पोल्यूशन को कम करने के लिए, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग करी जाएगी, ठीक है, वॉशिंग रोड्स करा जाएगा विद वाटर, इसके अलावा एनफोर्सिंग बैन ऑन फायर क्रैकर्स इन केस स्क्रूटनी ऑफ व्हीकल्स फॉर द पोल्यूशन स्टैंडर्ड। तो ये सारे के सारे तरीके अपनाए जाएंगे एयर क्वालिटी को कम करने के लिए। दूसरी स्टेज आती है, इसमें अगर एयर की क्वालिटी जो है वेरी पुअर मात्रा में चली जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या सरकार स्टेप लेगी दोस्तों, डीजल जनरेटर को बैन कर देगी, पार्किंग फी को जो है सर्च करेगी 3 से 4 times ज्यादा, इसके अलावा स्टॉप यूज ऑफ कोल फायरवुड्स इन कैटेगरीज, इसके अलावा अर्ज पीपल विद रेस्पिरेटरी और कार्डिक प्रॉब्लम्स टू स्टे इनसाइड। तो ये सारे के सारे स्टेप लिए जाएंगे स्टेज टू में। और स्टेज थ्री में दोस्तों अगर हवा सीवरली पोल्यूटेड कैटेगरी में चली जाती है तो ये स्टेप लेगी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड क्लीनिंग एंड वॉशिंग, शट डाउन द ब्रिक किल्न्स, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, ये सारे के सारे स्टेप लिए जाएंगे। और जो चौथा स्टेज है इसको दोस्तों एमरजेंसी स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें दोस्तों पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसमें सरकार कर देगी बैन कर देगी एंट्री ऑफ ट्रक्स, है ना, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल आइटम्स, जो भी दिल्ली में मतलब ट्रक्स वगैरह आते हैं उनको बैन कर देगी सिर्फ एसेंशियल आइटम्स वाले को छोड़कर, इसके अलावा हॉल्ट कर देगी कंस्ट्रक्शन वर्क को और ऑड इवन को शुरुआत कर देगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप लिए जाएंगे, याद रखिए। अगला न्यूज है वो है इसरो प्रोटोकॉल टू ट्रैक स्टबल बर्निंग डाटा, तो नाम से पता चल रहा है कि इसरो प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हम स्टबल बर्निंग डाटा को एक तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल यही है दोस्तों। आपको पता है एड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन द कमीशन हैज आस्क्ड दिल्ली एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स जैसे कि पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश टू एंश्योर यूनिफॉर्म अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग फायर इवेंट्स यूजिंग सैटेलाइट डाटा। तो दोस्तों ये अभी एक तरीके से डायरेक्शन दी गई है, जो ये जो प्रोटोकॉल है इसको डेवलप करा था इसरो ने, इज बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बाय विच ऑल स्टेट्स कैन कलेक्ट डाटा इन कोहेसिव मैनर टू प्रोवाइड बेटर पिक्चर ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। अगली न्यूज जो है वो है बैंड फायर क्रैकर्स एंड ई ग्रीन क्रैकर्स, है ना, दिल्ली एनसीआर में हाल ही में क्रैकर्स वगैरह बैन कर दिए गए थे। आपको पता है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी फायर क्रैकर्स बैन को लेकर, मैन्युफैक्चर को लेकर और सेल को लेकर, ठीक है, यूज ऑफ जॉइंट फायर क्रैकर्स, है ना, जो भी जॉइंट फायर क्रैकर्स हैं जैसे हिंदी में लड़ी कहते हैं, है ना, लड़ी से इन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना, एयर पॉल्यूशन तो होता ही होता है, इसके अलावा साउंड पॉल्यूशन भी होता है, तो दोस्तों जो भी जॉइंट फायर क्रैकर्स हैं इनको बैन करिए, इनकी सेल को मैन्युफैक्चर को बैन कीजिए, ठीक है, सीरीज ऑफ क्रैकर्स और लरीज एज दे कॉज एयर नॉइज और सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा था सर्टेन केमिकल्स कंपोजिशन ऑफ फायर क्रैकर्स जैसे कि बेरियम वाले, ठीक है, लिथियम आर्सेनिक एंटोनिमी लेड मर्करी एंड स्ट्रोंटियम क्रोमाइड। तो दोस्तों जिन फायर क्रैकर्स में ये सारे के सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उन पे भी बैन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा था कि भाई आप लोग जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हो और सेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को। ग्रीन क्रैकर्स में कौन कौन से आते हैं, सेफ वाटर एंड एयर स्प्रिंकलर्स दैट एमिट लेस साउंड, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ग्रीन क्रैकर्स के जैसे कि स्टार है ना, सफल है, ये सारे के सारे ग्रीन क्रैकर्स के एग्जाम्पल है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि स्टार का फुल फॉर्म क्या है, तो सेफ वाटर रिलीजर, इसके अलावा सफल का फुल फॉर्म है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, ठीक है।
अगला दोस्तों जो न्यूज है वो है पूसा बायो डीकम्पोजिशन। नाम से पता चल रहा है दोस्तों डीकम्पोजिशन है, और आपको पता है ना किसान जो एक बार फसल काट लेते हैं उसके बाद जो नीचे खरपतवार रह जाता है तो उसी को लेकर डीकम्पोज करने को लेकर ये बायो डीकम्पोजर है। इसको दोस्तों पूसा बायो डीकम्पोजर को डेवलप करा है आईसीआर ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप करा है। ये एक लो कॉस्ट माइक्रोबियल बायो एंजाइम सॉल्यूशन है जो कि एक्सेलरेट करता है डीकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इंक्लूडिंग स्टबल फ्रॉम पैडी क्रॉप्स इनटू मैन्योर विद इन 15 टू 20 डेज। तो इसीलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एमर्जिंग एज अ पोटेंट सॉल्यूशन टुवर्ड्स कर्विंग स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग बहुत इशू है जिसकी वजह से दोस्तों दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता रहता है, और अगर हम पूसा बायो डीकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे तो स्टबल बर्निंग का इशू जो है सॉल्व हो सकता है। ये प्रोवाइड करता है एडिशनल मैन्योर थ्रू डीकम्पोज स्टबल इंप्रूविंग द सॉइल क्वालिटी एज वेल। दोस्तों कुछ रिलेटेड न्यूज भी देख लेते हैं। हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करी गई थी जिसके तहत इंडिया जो है टॉप पोजिशन पे आता है इन एमिशंस रिलेटेड टू क्रॉप बर्निंग। तो क्रॉप बर्निंग से रिलेटेड जो भी एमिशंस होते हैं उनमें इंडिया टॉप पर रहता है, तो ये बुरी एक तरीके से हमारे लिए पोजीशन है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है रिलीज करी गई थी एक क्लाइमेट टेक स्टार्टअप जिसका नाम है ब्लू स्काई एनालिटिक्स, इसने ये रिपोर्ट जारी करी थी और इसी में रिपोर्ट में बताया गया था। ये जो ब्लू स्काई एनालिटिक्स है ये पार्ट है किसका, ग्लोबल कोलिशन, और ग्लोबल कोलिशन कौन सी, क्लाइमेट ट्रेस का ये पार्ट है। क्लाइमेट ट्रेस एक्सेलरेट करता है क्लाइमेट एक्शंस बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट हाई रेजोल्यूशन एंड नियर रियल टाइम एमिशन डाटा। अगली न्यूज है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं उनको समझते हैं। पहले तो ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में फर्स्ट एवर अपडेट सिंस 2005 हैज टाइटन्ड ग्लोबल एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड। तो दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल एयर पोल्यूशन के स्टैंडर्ड 2005 में लाए गए थे WHO द्वारा, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक तरीके से अपडेट करे हैं अपने ये एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, अब समझ लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं क्या। दोस्तों 1987 से WHO हैज पीरियोडिकली इशूड हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, जिनको शॉर्ट में AQG कहा जाता है। AQG क्या है, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, जिसके जरिए WHO जो है असिस्ट करना चाहता है गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी को ताकि रिड्यूस कर सके ह्यूमन एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन। द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस वर लास्ट पब्लिश इन 2006, मैंने अभी बताया सबसे अभी जो लास्ट गाइडलाइंस है 2016 में पब्लिश करी गई थी, और इन गाइडलाइंस के तहत एयर क्वालिटी गाइडलाइंस ग्लोबल अपडेट 2005 इसके तहत ये पब्लिश करी गई थी। ठीक है, सिंस देन देयर हैज बीन a marked increase in evidence on adverse health effects of air pollution built on advances in air pollution measurement and exposurement. ठीक है, exposure and assessment. और आपको पता है 2006 से भाई air pollution जो है बड़ा ही बड़ा है और उसके बहुत ज्यादा adverse effect भी देखे गए हैं health को लेकर, तो इसीलिए WHO ने सोचा कि हम लोगों को जो guidelines हैं वो improve करने की जरूरत है। दोस्तों जो overall objective है कि भाई ये ग्लोबल गाइडलाइंस को अपडेट करने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई ऑफर करा जा सके क्वांटिटेटिव हेल्थ बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सप्रेस्ड एज लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन फॉर नंबर ऑफ की एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इन गाइडलाइंस में अपडेट करा गया है, रिकमेंड करा गया है ऑन AQG लेवल्स आर फॉर्मुलेटेड टुगेदर विद इंटरिम टारगेट्स एज कैन बी सीन इन द टेबल। तो आप टेबल देख सकते हैं क्या क्या टारगेट रखा गया है, ये देखिए 2005 का ये है एयर क्वालिटी का दोस्तों, और ये है 2021 में जो अभी अपडेट करा गया है। इसमें PM2.5 बोला था कि भाई आप एनुअली इतना रख सकते हो, लेकिन अब बोला कि नहीं नहीं 5 रखो। ठीक है, 24 आवर्स में 25, लेकिन यहाँ बोल दिया नहीं नहीं आप एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में ये 15 फॉलो करो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप रीड कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ओपन AQ1 दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं। ओपन AQ1 नॉन प्रॉफिट मेकिंग एफर्ट है टू मेंटेन एन ओपन सोर्स डाटाबेस ऑफ एग्रीगेटेड current and archived air quality data gathered in real time from government agencies. I hope आपको इतना clear हुआ होगा। ठीक है, आपको पता है जो present guidelines हैं ये applicable हैं किसको, किसके लिए दोस्तों, outdoor के लिए भी और indoor environment के लिए भी। ठीक है, जो अभी present guidelines हैं। However, these guidelines do not cover the occupational settings. तो याद रखिए जो अभी guidelines लाई गई हैं 2021 की, ये occupational setting को cover नहीं करती। Wills not legally binding. इसीलिए दोस्तों ये जो guidelines हैं legally binding नहीं है, like all WHO guidelines. तो इसीलिए दोस्तों इतनी important नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये binding नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि WHO ने जो air quality को guidelines issue करी है वो binding है या नहीं, तो याद रखिए ये binding नहीं है।
AQG are an evidence informed tool for policy makers to guide legislation and policy. सिंपल सी बात है भाई, ये गाइडलाइंस इसलिए इशू करी है कि जो भी पॉलिसी मेकर वगैरह है या जो भी लेजिस्लेशन वगैरह है वो इस तरीके की पॉलिसी बनाए कि एयर क्वालिटी, जो एयर पॉल्यूशन है वो ज्यादा ना हो और रिड्यूस कर सके लेवल ऑफ एयर पोल्यूटेंस एंड डिक्रीज द बर्डन ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड. सिंपल सा एम है. एयर पोल्यूशन मेजरमेंट इन इंडिया एंड कंपेरिजन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो भारत में एयर पोल्यूशन को लेकर कौन कौन से मेजरमेंट लिए गए हैं और उसका कंपेरिजन करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी. दोस्तों भारत में एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क एजेंसीज इन्वॉल्व हैं. दोस्तों याद रखिए, भारत में एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क्स लगाए गए हैं और कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं एयर पोल्यूशन को लेकर उसके बारे में समझते हैं. आपको पता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसने इनिशिएट करा था नेशनल एम्बेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है, प्रोग्राम कब, 1984 में. याद रखिये नाकम प्रोग्राम शुरू करा था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1984 में विद सेवन स्टेशन इन आगरा अनपुरा अनपारा. सब्सिक्वेंटली ओनली द प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम नाम. तो याद रखिए इसी नाकम का, याद रखिए नेशनल एम्बेड एयर क्वालिटी मॉनिटर प्रोग्राम का ही बाद में नाम बदल दिया था नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना चाहते हैं. तो ठीक है, ये प्रोग्राम भारत सरकार ने चला रखा है एयर पोल्यूशन को एक तरीके से मेजरमेंट करने के लिए. जो ये जो नाम है दोस्तों, नाम जो है ये जो नेटवर्क है करंटली कंसिस्ट ऑफ 804 ऑपरेटिंग स्टेशन कवरिंग 344 सिटीज और टाउन्स इन 28 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ऑफ कंट्री. तो याद रखिए नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है 804 जगह पे ऑपरेट कर रहा है. द मॉनिटरिंग इज बीइंग कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. मैंने बता दिया है इसकी मदद से ये मॉनिटरिंग करी जा रही है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज की मदद से ये प्रोग्राम एक तरीके से कैरी आउट करा जा रहा है. इसके अलावा नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी इसमें इन्वॉल्व है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है कोऑर्डिनेट करता है विद दीज एजेंसीज जिसके जरिए एंश्योर करा जा सके यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी ऑफ एयर क्वालिटी डाटा एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देम. तो ये सारा का सारा काम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का. दोस्तों एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी देख लेते हैं. दोस्तों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं कि टोटल 12 पैरामीटर्स हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर इन सब के दोस्तों क्या क्या स्टैंडर्ड मेंटेन रहेंगे ये देखिए. आप देख सकते हैं कि एवरेजिंग टाइम कितना होगा इतना, स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा इतना, तो सारे के सारे आप रीड कर सकते हैं. तो ठीक है, आप समझते हैं नॉक्स डजंट मीट द WHO's एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड 2005 गाइडलाइंस. तो दोस्तों जो भारत में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है नॉक, ये WHO के एग्जिस्टिंग जो स्टैंडर्ड है 2005 के उनको मीट नहीं करता एंड कंसिडरेबली डिफर फ्रॉम द अपडेटेड गाइडलाइंस. For instance, NAAQS specify an annual limit of 60 microgram per cubic meter for PM10 and 100 for 24-hour period, which are 15 and 45 respectively in revised WHO guidelines. तो सिंपल सी बात यह है कि भारत का जो एयर प्रोग्राम एयर पोल्यूशन को लेकर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो WHO की गाइडलाइन से मीट नहीं करते. इसी से रिलेटेड और न्यूज देख लेते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर ही. दोस्तों नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इसके बारे में जान लेते हैं. ये इंडेक्स जारी करा गया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों एक टूल है जो यूज करता है नंबर्स टू सिंप्लीफाई एयर क्वालिटी डाटा बाय क्लासिफाइंग पोल्यूशन लेवल्स इनटू 6 कैटेगरीज. याद रखिए कौन कौन से 6 कैटेगरीज हैं. एक गुड कैटेगरी है, एक सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवर है. ठीक है दोस्तों, और इनको अलग अलग कलर से डिनोट करा जाता है. आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से एयर क्वालिटी को गुड एक तरीके से डिनोट करा जाता है. इसमें मिनिमल इंपैक्ट होता है हेल्थ पे हमारे. उसके बाद आता है दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री, इसको थोड़ा आप लाइट ग्रीन बोल सकते हैं. इसमें माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है और टू द सेंसिटिव पीपल, तो आप रीड कर सकते हैं. और रेड में पहुंच जाएंगे दोस्तों ये जो है रेड वाला अफेक्ट करेगा हेल्दी पीपल एंड सीरियसली इंपैक्ट दोस विद द एग्जिस्टिंग डिजीज. तो याद रखिए हम लोगों ने डाटा बना रखा है और डाटा के आधार पर ही हम लोगों ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया है. ठीक है, ईच ऑफ द पोल्यूटेंट्स जैसे कि PM10 को इसमें मेजर करा जाता है. याद रखिए ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें किस किस को मेजर करा जाता है. PM10 को, PM2.5 को, NO2 को, SO2 को, कार्बन O2, O3 को, NH3 को. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड करा गया है. ठीक है, तो याद रखिए AQI इन्फॉर्म करता है पब्लिक अबाउट
एनवायरमेंटल कंडीशन, सिंपल सा एम है कि भाई ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका एम है कि पब्लिक को इन्फॉर्म कराया जा सके एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में, जो कि इसके अलावा जो लोग जो है सफर कर रहे हैं इलनेस वगैरह से, ठीक है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये भी न्यूज मिला है, इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है, इसने डेवलप करा एक न्यू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, याद रखिए क्या डेवलप करा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करा एंड एक्सटेंडेड द एबिलिटी टू ऑफ द एग्जिस्टिंग AQEWS टू हैव डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। IITM जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। एयर वार्निंग सिस्टम इंटीग्रेटेड विद DSS विल बिकम यूजर फ्रेंडली टूल फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एयर इन एंड अराउंड द दिल्ली। अगला समझते हैं न्यूज दोस्तों, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है कि दोस्तों हम लोगों ने कोई नेशनल प्रोग्राम चलाया होगा, किसको लेकर, क्लीन एयर को लेकर। बिल्कुल दोस्तों इसके बारे में समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में एक मीटिंग ऑफ नेशनल अपेक्स कमिटी अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हेल्ड, याद रखिये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही एक नेशनल अपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो इसीलिए ये न्यूज में रहा। अब की हाईलाइट देख लेते हैं इस मीटिंग के, भाई ये जो मीटिंग इन्होंने रखी है नेशनल अपेक्स कमेटी की मीटिंग रखी है, इसमें क्या क्या हाईलाइट्स करे गए हैं, मतलब क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं उसको समझते हैं। इन्होंने अडॉप्ट करा है एयर शेड अप्रोच टू डील विद एयर पोल्यूशन, तो याद रखिए इन लोगों ने कौन सी अप्रोच अपनाई है, एयर शेड अप्रोच एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए। एयर शेड अप्रोच क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। अंडर दिस पॉलिसी मेकर विल प्लान एक्शंस कीपिंग इन व्यू ज्योग्राफिकल मेट्रोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स, समझे कि नहीं समझे भाई, पॉलिसी मेकर जो है प्लान करेंगे जो भी एक्शंस लेने हैं एयर पोल्यूशन को लेकर, और वो एक्शंस किस किस पर आधारित होंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, मेट्रोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स विच पोल्यूट एयर विद इन द एयर शेड इंस्टेड ऑफ मेकिंग पॉलिसीज गाइडेड बाय स्टेट बाउंड्रीज, तो याद रखिए स्टेट बाउंड्रीज को लेकर पॉलिसीज जो है गाइड नहीं करी जाएंगी बल्कि एयर शेड को लिया जाएगा, है ना। अगर स्टेट बाउंड्रीज को लेकर गाइड करेंगे तो वो तो एयर पोल्यूशन को खत्म ही नहीं होगा। अगर सपोज मान लीजिए आपने सिर्फ दिल्ली 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 के लिए बनाया है पॉलिसी कोई एयर पोल्यूशन को लेकर, अगर और आपने NCR को कवर नहीं करा है तो भाई एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगी, तो इसीलिए एयर शेड अप्रोच को इन लोगों ने अपनाया है। करंटली एयर शेड अप्रोच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, यहां पे इंप्लीमेंट ऑलरेडी करी जा चुकी है। क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन, याद रखिए क्लीन एयर फॉर ऑल मिशन भी इसके अंतर्गत चलाया जाएगा, इन्होंने ये की हाईलाइट करा है इस मीटिंग में, है ना। इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया है कि हम लोग जो है क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑल टू बी लॉन्च इन 2022 और 2022 में इसको लॉन्च करा जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, इंक्रीज करना टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग लेवल्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 के मैटर को, मतलब इसकी मात्रा को रिड्यूस करना 20-30% बाय 2024 ओवर 2017 लेवल्स टू 5-50% बाय 25-26 इन सिटीज आइडेंटिफाई अंडर NCAP। तो ये इनके टारगेट्स हैं, आपको याद नहीं करने टारगेट्स वगैरह, बस इतना याद करना है कि क्लीन एयर करना है फॉर ऑल मिशन, ये भी इन्होंने मीटिंग में लिया था। अब समझ लेते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, याद रखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था 2019 में। इसका सिंपल सा काम यह है कि रिड्यूस करना कंसेंट्रेशन ऑफ PM10 एंड PM2.5 by at least 20% by 2024 with 2017 as the base year for comparison, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये है इनके objectives, है ना, tenure वगैरह क्या है, target वगैरह क्या है, किसका, National Clean Air Program का दोस्तों, और approach क्या क्या अपनाएंगे आप यहाँ पे pause करके read कर सकते हैं, ये mains के लिए ज़्यादा important है। It is being implemented in targeted 132 cities which did not conform to the National Ambient Air Quality Standards, तो याद रखिए ये National Clean Air Program जो है 132 सिटीज में चलाया जाएगा, ठीक है। NAAQS एयर स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी विद रेफरेंस टू आइडेंटिफाई पोल्यूटेंट नोटिफाइड बाय CPCB अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। अगली जो दोस्तों न्यूज है वो है हमारी पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। सॉरी दोस्तों, अगली न्यूज हमारी पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स, ठीक है दोस्तों, ये हमारी अगली न्यूज है, इसके बारे में समझते हैं। अब समझते हैं सबसे पहले कि ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में लेडेड पेट्रोल हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एज अल्जीरिया द लास्ट कंट्री टू यूज दिस फ्यूल। तो दोस्तों लेडेड जो यूज पेट्रोल है, तो लेड वाला जो पेट्रोल है अल्जीरिया में इस्तेमाल हो रहा, तो
हो रहा था। तो अल्जीरिया लास्ट कंट्री बन चुका है जिसने लेडेड पेट्रोल को हाल ही में इरेडिकेट कर दिया है। तो इसीलिए ये न्यूज में रहा है दोस्तों, ठीक है। अल्जीरिया एग्जॉस्टेड इट्स सप्लाई फॉलोइंग द टू डिकेड्स लॉन्ग कैंपेन बाय यूएनईपी। तो यूएनईपी कैंपेन चला रहा था कि हम लोग जो है लेडेड पेट्रोल को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, और दो डिकेड के लॉन्ग कैंपेन के बाद इन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। यूएनईपी जो ये प्रोग्राम था, ग्लोबल पार्टनरशिप थी फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स, ठीक है। अब समझ लेते हैं अबाउट पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स के बारे में। याद रखिए, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया था किसने? यूएनईपी ने दोस्तों। पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स व्हीकल एक ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जिसको 2002 में लॉन्च करा गया था एट द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूएनईपी। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक तरीके से वर्ल्ड समिट चल रही थी 2002 में, वहीं पे लॉन्च करा गया था। इसका एम सिंपल सा है, रिड्यूस करना व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को। कैसे करेंगे भाई? आप जब हम प्रमोट करेंगे क्लीनर फ्यूल्स को और व्हीकल्स को इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो दोस्तों, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें एम उस पर यह मिशन चलाया गया था। जो PCFW है, इसका बार बार फॉर्म नहीं बोलूंगा दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स। तो PCFW जो है वर्क करता है टूवर्ड्स ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ लेडेड पेट्रोल। याद रखिए, लेडेड पेट्रोल जो है, लेड वाला पेट्रोल, उसका एलिमिनेशन करना चाहता है। ग्रेजुएटेड डिक्लाइन ऑफ सल्फर एज वेल। इसके अलावा इसी के तरीके सल्फर का भी डिक्लाइन हम लोग करना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन डिफरेंट एरियाज। इन इंडिया इट वॉज फेस्ड आउट इन 2000। याद रखिए, भारत में ऑलरेडी लेड से रिलेटेड जो पेट्रोल है उसको फेस आउट करा जा चुका है 2000 में, ठीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, PCFW सपोर्ट करता है एरियाज में, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, इन्वेस्टिंग रिफाइनरी अपग्रेड्स, रेजेस अवेयरनेस। ये तो ये सारे के सारे एरियाज हैं जहाँ पे सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। अब समझ लेते हैं लेडेड पेट्रोल के बारे में, ये होता क्या है दोस्तों। टेट्राथाइल लेड, जिसको शॉर्ट में टेल कहते हैं, याद रखिए, ये एक ऑर्गेनिक लेड होता है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल एडिटिव इन लेड पेट्रोल करा जाता है ताकि इम्प्रूव करा जा सके इंजन परफॉर्मेंस को। तो इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। टेल जो है एक कलरलेस लिक्विड है whose anti-knock properties were first found in 1921. ये इंप्रूव करता है ऑक्टेन रेटिंग को ऑफ फ्यूल एज कम्पेयर टू द अनलेडेड पेट्रोल। एज अ रिजल्ट इट बिकेम पॉपुलर एडिटिव इन पेट्रोल एंड जेट फ्यूल्स। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पॉपुलर एडिटिव बन चुका था पेट्रोल और जेट फ्यूल्स में। एज नॉकिंग इन इंजन कॉजेस लॉस ऑफ पावर विद रिस्क ऑफ डैमेज टू द इंजन। अब इसके हेल्थ इंपैक्ट्स क्यों हैं? हेल्थ इंपैक्ट्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको लेडेड पेट्रोल को एक तरीके से एलिमिनेट करा है दोस्तों। इसके हेल्थ इंपैक्ट बहुत सारे थे। जो टेट्राथाइल लेड था ये टॉक्सिक इन नेचर था एंड इज एब्जॉर्ब रेपिडली बाय द स्किन एंड लंग्स। तो दोस्तों इसको हमारी जो स्किन है और लंग्स जो है बहुत ही एब्जॉर्ब कर लेते थे, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके अलावा इट कंटेन्स द एयर डस्ट सॉइल वाटर। तो दोस्तों इसमें एयर भी होती थी, डस्ट भी होती थी, सॉइल भी होता था और वाटर होता था। And crops on releases through exhaust fumes, evaporation losses and acidinal spills. Exposure to it can cause heart disease, cancer stroke, lower IQ, especially in children by impacting brain development. तो ये सारे के सारे issues थे जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको develop एक तरीके से eliminate करा है, ठीक है, leaded petrol को। अब octane rating के बारे में भी समझ लेते हैं, ये होता क्या है। octane rating दोस्तों जिसको octane number या octane value के नाम से भी जाना जाता है, इसको define करा जाता है as percentage or volume fraction of iso octane in a mixture of iso octane and normal heptane fuel where knock is initiated at the same comparison ratio in, as in the fuel, ठीक है। ये measure करता है fuel's ability to resist unwanted sounds due to auto ignition with higher octane number. Example, adding ethanol to petrol helps in reducing knocking as ethanol octane rating is around 109, ठीक है। अगला दोस्तों water pollution और conservation। याद रखिए, इसके अंतर्गत हमारा आता है capacity building initiative on making water sensitive cities in Ganga basin। ये हमारा पहला current affairs है water pollution के अंतर्गत। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग जो है capacity building करना चाहते हैं, ठीक है। किस चीज में कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं दोस्तों? वाटर सेंसिटिव सिटीज को लेकर हम लोग क्या करना चाहते हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं। और ये दोस्तों वाटर सेंसिटिव सिटीज कहां पे? गंगा बेसिन में। आप समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, याद रखिए, इन्होंने लॉन्च करा है
याद रखिए हाल ही में लॉन्च करा गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। अब समझ लेते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। अ वाटर सेंसिटिव सिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर साइकिल टू डिलीवर बेसिक सर्विस ऑफ सप्लाई एंड सैनिटेशन व्हाइल मिटिगेटिंग फ्लड रिस्क प्रोटेक्टिंग एनहांसिंग हेल्थ ऑफ रिसीविंग वाटर वेज। तो सिंपल सा ये एम है क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग का एम बिल्कुल सिंपल सा है क्या कि वाटर सेंसिटिव सिटीज डेवलप करना है बेस्ड ऑन होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द वाटर साइकिल्स। तो भाई वाटर साइकिल है उसका होलिस्टिक मैनेजमेंट करना है और डिलीवर करना है बेसिक सर्विस ऑफ सप्लाई और सैनिटेशन को, ठीक है ये भी याद रखिए, ये भी वाटर सेंसिटिव सिटीज में आता है। इसके अलावा मिटिगेट करना फ्लड रिस्क को, प्रोटेक्ट करना और एनहांस करना हेल्थ ऑफ रिसीविंग वाटर वेज। तो ये सारा का सारा काम है वाटर सेंसिटिव सिटीज के अंतर्गत। और याद रखिए ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत ही एक तरीके से इन्होंने ही लॉन्च कराया इसको, किसको, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में भी जान लीजिए, ये एक सोसाइटी है किसके अंतर्गत, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, ठीक है। अब समझ लेते हैं और इसके बारे में, ये जो है फॉर्म करता है पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एम्ड टू एंश्योरिंग कन्वर्जेंस ऑफ नमामि गंगे मिशन विद नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम अर्बन मिशन। तो दोस्तों इन सब के साथ एक तरीके से कन्वर्ज करना चाहता है, याद रखिए नमामि गंगे मिशन के साथ भी और एक और मिशन अर्बन मिशन को लेकर जो कि नाम है अमृत, है ना, जिसके जरिए आपको पता है ना हम लोग जो है सिटीज को एक तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं अमृत मिशन के तहत। तो इन्हीं दोनों स्कीम के साथ एक तरीके से कन्वर्ज करेगा, कौन सा प्रोग्राम ये याद रखिए बार बार बोल देता हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज, इसको कन्वर्ज किया जा रहा है। नमामि गंगे आपको पता है कॉम्प्रेहेंसिव रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम है इंक्लूडिंग ऑल रिवर्स इन गंगा बेसिन टू इंश्योर अविरल धारा और निर्मल धारा। अविरल धारा मतलब है हमें कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करना है और अनपोल्यूटेड फ्लो मेंटेन करना है, जिसका मतलब होता है निर्मल धारा। इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 to 4 बैलेट सिटीज इन द गंगा बेसिन। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फील्ड विजिट, वेबिनार्स एंड टेक्निकल सपोर्ट टू अर्बन लोकल बॉडीज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। आप देख भी सकते हैं वाटर सेंसिटिव सिटी का मतलब क्या होता है, लिवेबल होनी चाहिए, रेजिलियंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो उसी को कहेंगे वाटर सेंसिटिव सिटी। तो याद रखिए वाटर सेंसिटिव सिटीज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत ही एक तरीके से लॉन्च करी गई थी, इन्होंने ही लॉन्च करी थी। कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं गंगा से रिलेटेड ही दोस्तों। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट विद फोकस ऑन जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी इन रिवराइन इकोसिस्टम, ठीक है ये न्यूज में रहा था। अब समझते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने साइन करा है एक एमयू किसके साथ, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, जिसके जरिए ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं रिवर बेसिन मैनेजमेंट बाय यूजिंग जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी, अभी मैंने समझाया था ना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी इन इंडियाज वाटर सेक्टर, तो दोस्तों क्या क्या एप्लीकेशन है जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी की भारत के वाटर सेक्टर में, बहुत सारी एप्लीकेशन है। पहली है दोस्तों इंडियन रिमोट सेंसिंग पोर्टल्स फॉर वाटर सेक्टर, तो याद रखिए इंडियन रिमोट सेंसिंग पोर्टल डेवलप करे गए हैं फॉर वाटर सेक्टर, जैसे कि एग्जांपल है भुवन, ये एक याद रखिए एक ये रिमोट सेंसिंग पोर्टल है फॉर वाटर सेक्टर, किसका जिसका नाम है भुवन WBIS, इसका फुल फॉर्म है वाटर बॉडीज इन्फो सिस्टम। सेंसर डिराइव्ड वाटर बॉडीज इंफॉर्मेशन इज यूटिलाइज टू जनरेट स्पेशल मैप फॉर सरफेस ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज, तो इसका ये काम है भुवन का। इसके अलावा दोस्तों एक और पोर्टल है जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये प्रोवाइड करता है नेशनल लेवल एक्यूरेट एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट डाटाबेस जनरेशन। एक और पोर्टल का नाम है इसका भी याद कर लीजिए इंडिया WRIS यानी वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज थ्रू डैशबोर्ड्स एज वेल एज मॉड्यूल्स ऑन वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स फॉर GIS लेयर एडिटिंग। दोस्तों इसके अलावा और क्या क्या एप्लीकेशन है जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी के इन इंडियाज वाटर सेक्टर। दूसरी है दोस्तों जल जीवन मिशन, इसमें भी एप्लीकेशन है, आपको पता है GIS मैपिंग जो है वाटर का, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, तो याद रखिए GIS मैपिंग करी जाएगी किसकी, वाटर सप्लाई और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके अलावा नमामि गंगे, जैसे नमामि गंगे में क्या करा जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बेस मैप एंड 3D मॉड्यूल्स। इसके अलावा डैम रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में क्या करा जाएगा, रिमोट सेंसिंग एंड GIS फॉर डैम साइट सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल है, जैसे कि अंडरस्टैंड करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर,
ड्यूरिंग मॉनसून एंड नॉन मॉनसून सीजन। कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल, ये भी न्यूज में रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल है क्या दोस्तों? कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल जो है लॉन्च करा गया था ऑन द इनॉग्रल डे ऑफ गंगा उत्सव के दिन, ठीक है, द रिवर गंगा फेस्टिवल 2021। ये जो पोर्टल है दोस्तों, ये एक ऐसा पोर्टल है, इंटरेक्टिव पोर्टल है। कैसा? इंटरेक्टिव पोर्टल दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनिशिएटिव इनिशिएटिंग कन्वर्जेशन एंड एक्शंस अराउंड द रिवर्स इन इंडिया। तो दोस्तों जो भी रिवर्स हैं भारत में उनके अंतर्गत, मतलब उन्हीं को लेकर कन्वर्जेशन करी जाए और उनके ही लेकर एक्शन लिए जाए, तो उसी को लेकर ये पोर्टल लॉन्च करा गया है। ये जो है इनिशिएटिव है किसका? नमामि गंगे का, एंड क्रिएटेड एंड एक्सिक्यूटेड बाय ट्री क्रेन फाउंडेशन एंड फंडेड एंड सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो याद रखिए पोर्टल जो है इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट डिबेट एंड डिस्कशन, मैं बता चुका हूँ, एंड एक्सप्रेस आइडियाज ऑन वेरियस इशूज पर्टेनिंग टू एनवायरमेंट वाटर और रिवर्स। तो आप बिजली यहाँ पर जाके आप डिबेट कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गॉट रजिस्टर्ड इन गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड, याद रखिए इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा सकता है, फॉर मोस्ट फोटोज ऑफ द हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड टू फेसबुक इन 1 आवर। तो इसके लिए दोस्तों गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज करा गया है। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में समझ लेते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये है क्या दोस्तों? ये अलाउ करता है ट्रैकिंग अ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट रेफरिंग इट टू द स्पेसिफिक लोकेशन। ये जो हेल्प करता है स्टडिंग रियल अर्थ ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन यूजिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS जिसे शॉर्ट में कहते हैं, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो याद रखिए इन सभी का इस्तेमाल करके आप रियल अर्थ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। अगली न्यूज है वाटर कमोडिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है कि वाटर को हम लोग क्या कमोडिटी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कमोडिटी, ठीक है। तो समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में एक स्पेशल रिपोर्टियर, रिपोर्टियर मतलब होता है दूत, क्या दूत, एक स्पेशल दूत ने ऑन ह्यूमन राइट्स टू सेव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने इन्फॉर्म करा यूएन जनरल असेंबली को कि वाटर जो है एक कमोडिटी नहीं है भाई, एंड फाइनेंशियल एसेट भी नहीं है जिसको आप इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो याद रखिए इसी वजह से ये न्यूज में रहा है वाटर कमोडिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों लोग जो है वाटर को एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कमोडिटी नहीं है भाई, ये एक अच्छे आप जीवन चलाने के लिए आप रिसोर्स कह सकते हो, लेकिन अगर वाटर को आप कमोडिटी बना दोगे ना तो फ्यूचर में तो कोई वाटर पा ही नहीं पाएगा। तो यही इसीलिए न्यूज में रहा। आप समझते हैं वाटर कमोडिफिकेशन के बारे में दोस्तों। कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब है वाटर हैंडल्ड एज कमोडिटी, समझे कि नहीं समझे? जब वाटर को आप कमोडिटी की तरह हैंडल करने लगते हो तो उसी को कमोडिफिकेशन कहा जाता है। अंडर सप्लाई एंड डिमांड मार्केट डायनेमिक्स, तो ठीक है समझ में आया। तो जब आप वाटर को एक कमोडिटी की तरह सप्लाई और डिमांड मार्केट के तहत जो है एक तरीके से हैंडल करने लगते हो तो उसी को कहते हैं वाटर कमोडिफिकेशन, एज अ वे ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन बिटवीन यूजर्स। इन दिसंबर 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आर ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स वॉज लॉन्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए ट्रेडेबल वाटर प्राइस फ्यूचर इंडेक्स जो है इसको लॉन्च करा गया था ऑन द शिकागो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, ये पहला इंडेक्स था वाटर के ऊपर, ऑन द नास्डक वेल्स कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स इसके ऊपर लॉन्च करा गया था, जिसको शॉर्ट में NQH2 कहते हैं, NQH2O कहते हैं। नास्डक ने डेवलप करा NQH2O इंडेक्स इन पार्टनरशिप विद वेल्स वाटर लिमिटेड, ठीक है। ये जो है मेंशन करता है फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ डब्लिन स्टेटमेंट, याद रखिए डब्लिन में एक स्टेटमेंट हुई थी उसी के फोर्थ प्रिंसिपल को मेंशन करता है, और ये डब्लिन में स्टेटमेंट क्या हुई थी, किसके ऊपर हुई थी दोस्तों? वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 1992, याद रखिए इसके ऊपर डब्लिन में स्टेटमेंट जारी करी गई थी, वाटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 1992 में दोस्तों हुई थी ये, डब्लिन में एक तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी में डब्लिन स्टेटमेंट जारी करी गई थी दोस्तों। That water should be recognized as an economic good. और इसमें याद रखिए इसी स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो वाटर है इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक इकोनॉमिक गुड के तौर पर, an approach that serves क्या as a basis for its consideration as financial asset, as has been done with the economic good in general within the dynamics of financialization of economy. तो इसमें ऐसा बोला गया था डब्लिन स्टेटमेंट में, ठीक है। अब समझ लेते हैं डब्लिन स्टेटमेंट ऑन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 के बारे में दोस्तों। 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये डब्लिन में हुई थी। डब्लिन आपको पता ना आयरलैंड में एक जगह है, और इस कॉन्फ्रेंस का आउटपुट क्या था? आउटपुट सिंपल सा था दोस्तों, द आउटपुट फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस वॉज
अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वाटर, तो इसमें वाटर को लेकर एक डिक्लेरेशन जारी करी गई थी और आप देख सकते हैं और इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था इसमें कहा गया था फ्रेश वाटर इज अ फिनाइट एंड वल्नरेबल रिसोर्स एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंट। और बोला गया था वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन्वॉल्विंग यूजर्स प्लानर्स पॉलिसी मेकर्स एट ऑल लेवल्स। एक और चीज बोली गई थी इसमें दोस्तों, वुमेन प्ले अ सेंट्रल पार्ट इन प्रोविजंस मैनेजमेंट एंड सेफगार्डिंग द वाटर। और चौथा बोला गया था वाटर हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू, याद रखिए इन्होंने बोला था कि वाटर की एक इकोनॉमिक वैल्यू है इन ऑल द कंपीटिंग यूजेस एंड शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन इकोनॉमिक गुड। तो इसमें बोला गया था कि वाटर को आप इकोनॉमिक गुड के तौर पर रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, अब समझ लेते हैं आउटपुट फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस वॉज डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वाटर That was presented to the United Nations Conference on Environment and Development. ठीक है, जो भी ये declaration इन्होंने करी थी, बाद में ये इन्होंने UNECED को present करा था. That was held at Rio de Janeiro in 1992. और आपको पता है Rio de Janeiro में ये United Nations Conference on Environment Development हुई थी. ठीक है, जिसको Earth Summit के नाम से भी बुलाया जाता है. The inclusion of Dublin principles in the conference debate helped to highlight the importance of water as a resource for environmental protection and human development. Dublin principle jo hai remain rehte hain the standard for consideration of issues surrounding water resource and uses and protection. Agli news hai dosto wo hai bio monitoring using environment DNA, yani bio ki monitor karna hai na, jo bhi hamara biology hai ya aap keh sakte hain environment hai, उसका मॉनिटर करना किसका इस्तेमाल करके, एनवायरमेंटल डीएनए का इस्तेमाल करके बायो को मॉनिटर करना। ठीक है भाई, एनवायरमेंटल का डीएनए लेंगे और उसके जरिए मॉनिटर करेंगे कि भाई हेल्थ कैसी है एनवायरमेंट की, बायो की। अब समझते हैं क्यों ये न्यूज में रहा, क्योंकि हाल ही में रिसर्चर्स इन इकोलॉजी आर टेस्टिंग अ न्यू मेथड दैट कैन वास्टली एक्सपेंड बायो मॉनिटरिंग यूजिंग ईडीएनए। ईडीएनए का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल डीएनए। ठीक है, तो इसको लेकर याद रखिए रिसर्चर जो है टेस्ट कर रहे हैं नए मेथड जिसके जरिए हम बायो मॉनिटरिंग कर सकें। ठीक है, अब समझ लेते हैं बायो मॉनिटरिंग को और डिटेल में, ये होता क्या है। बायो मॉनिटरिंग जो है डिफाइन करा जाता है एज एन एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग। देखिए ये एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं द स्टेट एंड ऑन गोइंग चेंज इन द इकोसिस्टम। तो दोस्तों जो भी इकोसिस्टम में बदलाव आ रहे हैं या उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट को लेकर या पोल्यूशन को लेकर, तो उसी चीज को हम एक तरीके से मॉनिटर करना चाहते हैं और असेस करना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, लैंडस्केप है, ठीक है, जैसे कि नेचुरल हैबिटेट, पॉपुलेशन, स्पीशीज, इनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीजों को मॉनिटर करना चाहते हैं यूजिंग ईडीएनए, है ना, एनवायरनमेंट डीएनए को। बायो मॉनिटरिंग हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर स्टडिंग ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू केमिकल्स इंक्लूडिंग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब ईडीएनए के बारे में समझ लेते हैं, ईडीएनए का कैसे लिया जाएगा, ईडीएनए और कैसे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, ईडीएनए जो है आइसोलेट करा जाएगा फ्रॉम एनवायरमेंटल सैंपल्स। तो दोस्तों एनवायरमेंट से सैंपल लिया जाएगा और ईडीएनए को पहचाना जाएगा। इन कंट्रास्ट टू जेनोम डीएनए, आपको पता है आजकल अभी जो है फिलहाल जो है जेनोमिक डीएनए का इस्तेमाल होता है एनवायरमेंट के पोल्यूशन को पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो है एनवायरमेंटल डीएनए लिया जाएगा। ठीक है, और इसको डायरेक्ट एनवायरमेंटल सैंपल से एक्सट्रैक्ट करा जाएगा। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सेलुलर मटेरियल शेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म। और दोस्तों ये आपको पता है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सेलुलर मटीरियल को जो है एक तरीके से छोड़ते हैं और वही सेलुलर मटीरियल जो है किसी भी एनवायरमेंट में इकट्ठा हो जाता है, तो उस सैंपल को लिया जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे तालाब है, तालाब में बहुत सारी मछली और जितने भी जानवर पाए जाते हैं वो सारे के सारे सेलुलर मटेरियल छोड़ते हैं। तो साइंटिस्ट करेंगे क्या, थोड़े से वाटर को उठा लेंगे उस तालाब में से और सैंपल को चेक करेंगे कि भाई इसमें ईडीएनए, इसका ईडीएनए क्या है, और ईडीएनए करके ही बाद में दोस्तों पता लगाएंगे कि भाई इस तालाब में कितनी प्रॉब्लम है या क्या क्या हो रहा है, कितनी पॉपुलेशन कम हो रही है, कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे उसकी हेल्थ को पता लगाया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सेलुलर मटेरियल कौन कौन से ये ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं, जैसे कि आपको पता है स्किन का एक्सक्रीमेंट, ये सारे के सारे सेलुलर मटेरियल छोड़ते हैं जानवर ऑर्गेनिज्म वगैरह इनटू एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी छोड़ते हैं और एक्वाटिक वाले में भी छोड़ते हैं। दैट कैन बी सैंपल्ड एंड मॉनिटर्ड यूजिंग न्यू मॉलिक्यूलर मेथड्स। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है ईडीएनए के, बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों, इसके जरिए हम वाटर क्वालिटी को रेस्टोर कर सकते हैं। जो भी स्पीशीज जिनकी मात्रा या जिनकी संख्या जो है डुंडल कर रही है या यानी खत्म हो रही है या एक्सटिंक्शन हो रहा है उनको भी बचा सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं इनवेजिव स्पीशीज की। इसके अलावा
एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ रेयर एंड क्रिप्टिक स्पीशीज की। एडवांटेज भी और देख लीजिए जो मैं समझा रहा था। एडवांटेज क्या है, कलेक्टिंग डीएनए इज इजी, ये पहला एडवांटेज है, ठीक है। दूसरा है मेथड डजंट रिक्वायर किलिंग वाइल्ड लाइफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। तीसरा बेनिफिट है या एडवांटेज है, लेबर एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हैं, याद रखिए ईडीएनए के, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्रोसेस ऑफ बायो मॉनिटरिंग थ्रू डीएनए, कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए हम बायो मॉनिटरिंग करेंगे डीएनए के जरिए, आप देख सकते हैं। पहले तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ईडीएनए फ्रॉम स्किन, स्केल्स, फेकियल्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा फ्लोटिंग इन द वॉटर। तो ठीक है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने ईडीएनए, उसके बाद इस डीएनए को ईडीएनए को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मैचिंग दिस डीएनए सीक्वेंस विद फ्रेश वाटर स्पीशीज दैट एट ऑलरेडी कैटलॉग्ड इन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। और चौथा होगा चार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विद द विद इन एंड अक्रॉस रिवर्स, ठीक है। अगला जो है वो है इनिशिएटिव्स इन न्यूज फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर। पहला है एम आईसीडी के वाटर इनोवेशन चैलेंज, इसका फुल फॉर्म दोस्तों है अटल इनोवेशन मिशन, इसका एम का है, ठीक है। और नीति आयोग, याद रखिए अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ, ठीक है, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ। और ये जो है इनोवेशन एक तरीके से या पार्टनरशिप कह लीजिए, हाल ही में कंक्लूड हुई है द ग्लोबल फाइनेंस ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन वाटर इनोवेशन चैलेंज। इनोवेशन आइडियाज वर इनवाइटेड इन द फॉलोइंग चैलेंजेस एरिया, किस किस में दोस्तों, डिजिटल वाटर मैनेजमेंट में एक तरीके से जो भी है चैलेंजेस या आप कह लीजिए इनोवेशन आइडियाज को एक तरीके से इन्वाइट करा गया है। सोल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सेफ एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर को लेकर एक तरीके से आइडियाज को इनवाइट करा गया है इन कॉन्फ्रेंस के तहत। समझे कि नहीं समझे, फिर से बोल देता हूँ, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इनोवेशन सेंटर डेनमार्क कंक्लूडेड द ग्लोबल फाइनल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वाटर एक्शन वाटर इनोवेटिव चैलेंज। अगली न्यूज है वो है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। एनटीपीसी लिमिटेड हैज बिकम सिग्नेटरी टू द प्रेस्टीजियस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट। द मैंडेट वॉज फॉर्म्ड इन 2007 टू मोबिलाइज बिजनेस लीडर्स टू एडवांस वाटर स्टीवर्शिप सैनिटेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट्स पीयर सिविल सोसाइटी एंड अदर्स। मैंडेट क्या है, सिंपल सा मैंडेट है, द मैंडेट डेवलप्स टूल्स एंड रिसोर्सेज कन्विंस stakeholders and facilitates meaningful partnership or and on the ground collective actions that improve conditions in the risk river basin and around the world. अगला है दोस्तों जो न्यूज में रहा है वो है ओशन क्लीन अप, नाम से पता चल रहा है ओशन से रिलेटेड है। तो बिल्कुल दोस्तों ओशन क्लीन अप एक नीदरलैंड बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिए ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एम करती है एलिमिनेट करना द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक है। आप देख सकते हैं गार्बेज पैच पाए जाते हैं नॉर्थ पैसिफिक में पाए जाते हैं, कोरोशियो जापान के बगल में, कैलिफोर्निया, तो इनको क्लीन अप करना इसका ये एम है ओशन क्लीन अप नॉन एनजीओ का, ठीक है, ये एनजीओ है एक। ऑल्सो नोन एज पैसिफिक ट्रैश वर्टेक्स इट इज द कलेक्शन ऑफ मैरिन डेब्रिज गार्बेज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है, सिंपल सा एम है। दिस गार्बेज पैच इज एक्चुअली टू डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ डेब्रिज बाउंडेड बाय मैसिव नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गेयर एज अ लार्ज सिस्टम ऑफ स्विलिंग ओशन करंट्स, तो इसको कहते हैं गेयर। इट इज कंपोज ऑफ द वेस्टर्न गार्बेज पैच, मैंने बता दिया है वेस्टर्न गार्बेज का नियर जापान, ये देख सकते हैं ये वेस्टर्न है, एंड द ईस्टर्न गार्बेज पैच ये यहाँ पे है कैलिफोर्निया के पास, लोकेटेड बिटवीन यूएसए स्टेट ऑफ अलवाई एंड कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इसका ये सिंपल सा एम है, आप होप आपको क्लियर हुआ होगा ओशन क्लीन अप के बारे में। अगला है इंदौर फर्स्ट वाटर प्लस सिटी, दोस्तों इंदौर जो है आपको पता है भारत की या इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, इसके अलावा हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द इंडिया अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, तो याद रखिए ये वाटर प्लस सिटी भी डिक्लेयर करी जा चुकी है। अ सिटी कैन बी डिक्लेयर्ड एज वाटर प्लस प्रोवाइडेड ऑल वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम हाउस होल्ड, याद रखिए वाटर प्लस सिटी का टैग तभी मिलेगा जब जितना भी वेस्ट वाटर है जो कि रिलीज करा जाता है हाउस होल्ड से, इसके अलावा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, उसको ट्रीट करा जाए टू अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल बिफोर रिलीजिंग द treated wastewater to the environment. स्वच्छ सर्वेक्षण एक
आपको पता है एनुअल सर्वे है किसका, क्लीनलीनेस हाइजीन और सैनिटेशन का, इन सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया लॉन्च एज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। आई होप आपको पता चला होगा। अगला है रिवर सिटीज अलायंस के बारे में समझ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है रिवर सिटीज अलायंस। हाल ही में मिनिस्टर फॉर जल शक्ति ने लॉन्च करा है रिवर सिटी अलायंस को। रिवर सिटी अलायंस एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर रिवर सिटीज टू आइडिएट डिस्कस एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन थ्री बोर्ड थीम्स, कौन कौन सी, नेटवर्क करना रिवर्स का, कैपेसिटी बिल्डिंग करना और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये सिंपल सा एम है रिवर सिटीज अलायंस का। रिवर्स सिटीज अलायंस इंक्लूड करता है सिटीज फ्रॉम बोथ गंगा बेसिन एंड नॉन गंगा बेसिन स्टेट। याद रखिए, ठीक है, वो सारे के सारे शहर इंक्लूड होते हैं जो कि गंगा बेसिन में आते हैं और नॉन गंगा बेसिन स्टेट में आते हैं। रिवर सिटीज अलायंस दोस्तों अपॉर्चुनिटी देता है टू द सिटीज टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ रिवर सिटीज एंड इम्प्रूव देयर लिवेबिलिटी टू अट्रैक्ट एक्सटर्नल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अगली न्यूज है वो है पुडुचेरी बिकम्स हर घर जल यूनियन टेरेटरी। याद रखिए हर घर जल यानी सभी घरों तक जल जो है पाइप तरीके से पहुंचाया जा चुका है, तो ये पुडुचेरी ने अभी कारनामा करके दिखाया है। पुडुचेरी हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन। ठीक है, याद के इंपॉर्टेंट है इन द रूरल एरियाज अंडर जल जीवन मिशन। तो रूरल एरियाज में इन लोगों ने 100% पाइप वाटर पहुंचा दिया है और ये दोस्तों 100% पाइप वाटर कनेक्शन जो है जल जीवन मिशन के तहत आता है। इसके तहत दोस्तों दिस यूटी बिकेम द फोर्थ स्टेट और यूटी आफ्टर गोवा तेलंगाना और अंडमान। याद रखिए इससे पहले गोवा तेलंगाना और अंडमान ही वो यूटी या स्टेट थे जिन्होंने रूरल एरियाज में 100% पाइप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और ये एक तरीके से चौथी यूटी या स्टेट कह लीजिए बन गई है। ठीक है, जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। जल जीवन मिशन जो है एनविसाज करता है सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, है ना, हर एक बंदे को एटलीस्ट एक दिन में 55 लीटर पानी मिल सके, ये इसका एम है। ठीक है, फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024, तो और 2024 तक टैप कनेक्शंस सभी हाउस होल्ड को प्रोवाइड करे जा सके, ये भी जल जीवन मिशन का एम है। ठीक है, FHTC is defined as having infrastructure household tap connection providing at least 55 IPCD liter per capita per day of prescribed quality BIS, ठीक है, standard on regular basis. It also aims to provide function tap connection to schools, Anganwadi centers, health centers and wellness centers. ये भी इसका aim है दोस्तों। Fund sharing का pattern क्या है दोस्तों? इस मिशन के तहत दोस्तों 90:10 ratio for Himalayan state के लिए दिया जाएगा और North Eastern state के लिए हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90:10 यानी 90% जो हिस्सा पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद लगाएंगी और 50-50 जो है अदर स्टेट्स के लिए और 100% जो है यूटी के लिए, मतलब यूटीज को जो है 100% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगली न्यूज है वो है स्वास्तिक टेक्नोलॉजी फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो याद रखिए वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक स्वास्तिक टेक्नोलॉजी तरीके से डेवलप करी गई है। स्वास्तिक का फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है सेफ वाटर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस्ड। ठीक है, ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो कि कंबाइन करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को टू ब्रिंग सेफ हेल्थी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, द टेक्निक यूज्ड हाइड्रो डायनामिक कैविटेशन कंबाइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल ऑयल्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो याद रखिए ये टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है और जो भी हमारे एक तरीके से आप कह लीजिए ट्रेडिशनल नॉलेज है ऑयल्स को लेकर नेचुरल ऑयल्स को लेकर प्लांट वगैरह को लेकर, तो उन दोनों का इस्तेमाल करके वाटर को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज इसेंशियल फॉर रिमूविंग पैथोजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नंबर ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। However, common drawbacks of chemical methods such as chlorination include formation of harmful carcinogenic interaction byproduct. ये सारे के सारे थोड़े बहुत एक तरीके से drawbacks भी हैं। अब अगली news है WMO vision and strategy for hydrology and action plan. इसके बारे में समझ लेते हैं। It identifies target outcome of WMO's 8 long-term ambitions, including better understanding of flood risk, flood forecasting, warning, reducing adverse impacts of drought and use of high quality hydrology and hydrometeorological data. Agli news hai dosto, India Young Water Professional. Naam se pata chal raha hai, India Young Water Professional. Theek hai? Haal hi mein, the first edition of India Young Water Professional program was launched virtually. Yaad rakhiye, ye pehla ek tarike se first edition hai. Yaad rakhiye, India Young Water Professional program. Isko virtually launch kara gaya tha.
ये प्रोग्राम दोस्तों लिया गया है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट अ सेंट्रल स्कीम एंड सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप, ठीक है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, इसको इसके द्वारा इंप्लीमेंट करा जाएगा। ये कंसोर्टियम है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज का, याद रखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सेंटर ये कंसोर्टियम है ऑस्ट्रेलिया और इंडियन यूनिवर्सिटी का। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल है, इक्विप करना वाटर प्रोफेशनल्स को, याद रखिए, विद द नेसेसरी स्किल्स नॉलेज बिहेवियर एंड नेटवर्क्स दैट विल बेटर इनेबल देम टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। बिल्कुल सिंपल सा एम है, आप समझ ही सकते हैं। अगला है रेसी सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसके बारे में समझ लेते हैं, जिसको शॉर्ट में रास कहा जाता है। हाल ही में रास इसको एस्टेब्लिश करा गया था अवंतीपुर जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। रास एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, याद रखिए रास एक टेक्नोलॉजी है वेयर वाटर इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड आफ्टर मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर एंड मेटाबॉलिज। तो याद रखिए नाम से पता चल रहा है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसका इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। इट इज यूज्ड फॉर हाई डेंसिटी कल्चर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश यूटिलाइजिंग मिनिमम लैंड एरिया एंड वाटर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रोइंग फिश आउटडोर्स इन ओपन पॉन्ड्स एंड रेसवेज। इन दिस सिस्टम फिश आर टिपिकली रियर्ड इन इंडोर आउटडोर टैंक्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एडवांटेज क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों। रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन एंटीबायोटिक्स, रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट, रिस्क रिडक्शन ड्यू टू क्लाइमेट फैक्टर्स, डिजीज एंड पैरासिटिक्स। अगला है दोस्तों सरयू कनाल प्रोजेक्ट, याद रखिए सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करा है सरयू। सरयू आपको पता है एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा नदी की, इसको सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करा है प्रधानमंत्री मोदी ने। विच विल प्रोवाइड अश्योर्ड वाटर फॉर इरीगेशन फॉर टू ओवर 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड बेनिफिट अबाउट 29 लाख फार्मर्स। तो याद रखिए, ठीक है। The work on the project started in 1978. याद है कि इस प्रोजेक्ट पे 1978 से वर्क चल रहा है। And in 2016, the project was brought under the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आपको पता ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इसी के अंतर्गत ये सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट को लाया गया था। With the target of completing it in the time bound manner, the project also involves interlinking of 5 rivers. इसी प्रोजेक्ट के तहत याद रखिए 5 rivers को इंटरलिंक करा जाएगा, कौन कौन से, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिणी, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूसेज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगले लेक्चर के जरिए दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।